किते निमुल तार दे मैं अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की स्टूडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे टिकटॉक के लिए एक ट्रेंडिंग वीडियो बना सकते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्ट में एक वीडियो क्लिप देखा है, अगर आप सेम वैसे ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं आज की स्टूडियो में सीख लेते हैं। तो आप दोस्तों ने जो वीडियो प्ले की हुई है, आपने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलता है तो आपने सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और साथ में बेल का बटन मिलता है तो बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। तो अब दोस्तों आपने कैसे वीडियो बनानी है, जो इस वीडियो का टाइटल है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन होगी तो आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर का, आपने मोर पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर से आपने थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे एक लिंक मिलता है तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ये सीधा गूगल के अंदर ओपन होगा और यहाँ पर एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगी तो आपको नीचे लास्ट में एक रेड कलर का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर से एक लोडिंग होगी और एक न्यू पेज के अंदर ये टेम्पलेट ओपन होगी तो आपको एक ग्रीन कलर का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन होगी तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोटो वीडियो जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगी आपकी फ़ोटो और उसके बाद आगे एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी वीडियो बन जाएगी जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके ऊपर एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर से नीचे एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब यहाँ पे वीडियो आपकी सेव हो जाएगी तो आपकी वीडियो यहाँ से डायरेक्ट टिकटॉक के अंदर ओपन हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे ये वीडियो टिकटॉक के अंदर ओपन हो चुकी है। तो उसके बाद दोस्तों आपने दो काम करने हैं, एक तो आपने वीडियो के ऊपर साउंड को ऐड करना है और दूसरा काम जो है वो साउंड ऐड करने के बाद आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपने साउंड को कैसे ऐड करना है, आपके ऊपर ऑप्शन मिलता है ऐड साउंड का, आपने दोस्तों ऐड साउंड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने फेवरेट पे आना और यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ये साउंड मिल जाएगा तो आपको इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहाँ से डायरेक्ट ऐड फेवरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस साउंड को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये साउंड ऐड हो जाएगा। तो साउंड को ऐड करने के बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम का, आपने दोस्तों वॉल्यूम पर क्लिक करना है और उसके बाद जो ओरिजिनल साउंड था उसको आपने ज़ीरो कर देना है और जो न्यू साउंड ऐड किया था आपने उसका वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा देना है और उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। अब दोस्तों आपने एक तो काम कर लिए, आपने दूसरा काम क्या करना है कि आपने अपनी वीडियो को एडजस्टमेंट करना है अपने साउंड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रिम का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक लेयर आ जाएगी जिसके अंदर आपकी वीडियो भी मौजूद होगी और उसके बाद नीचे आपका ऑडियो साउंड भी होगा। तो आपने सबसे पहले जो साउंड है उसको सेलेक्ट करके एंड में आना है और उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर आपकी जो वीडियो है उसकी जो लेंथ है वो साउंड से बड़ी है, आपने जो एंड वाला हिस्सा है इस वीडियो का वो आपने कट करना है। तो आपने यहाँ से ही ऊपर वीडियो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे आपको एक ट्रिम का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपकी वीडियो ट्रिम हो जाएगी। उसके बाद आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है, आपने डिलीट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो एंड वाला हिस्सा होगा वो यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद आपने डन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपकी वीडियो मुकम्मल तौर पर बन जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर वीडियो पोस्ट कर देनी है अपने टिकटॉक के ऊपर।